नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल उठता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और सारे दोस्त क्रिप्टो करेंसी की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या है ये बवाल कि लोग यहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मालामाल भी हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी तरीके से नहीं सुना है तो भाई रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपको सारी बातें बताने वाला है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या होता है, कैसे आप भी इसमें इन्वेस्ट करके बन सकते हैं करोड़पति। इस साल दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की खूब चर्चा है। साल की शुरुआत में बिटकॉइन, डॉजीकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी ने जबरदस्त उछाल लगाई, लेकिन मई आते आते ये एक कदम लुढ़क गए थे। अब धीरे धीरे इनमें फिर से तेजी आ रही है। इस तरह लोगों के मन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जबरदस्त जिज्ञासा है कि आखिर ये क्या है। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दरअसल में है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य तो होता है, लेकिन उसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। ये सिर्फ डिजिटल रूप में होता है जिससे ऑनलाइन ही लेन देन किया जा सकता है। जिस तरह से देश की सरकारें निश्चित मूल्य के बदले मुद्रा या कागजी नोट या सिक्के जारी करती है, उसी तरह की एक ये बिल्कुल मुद्रा है जो डिजिटली ट्रांसफर की जाती है। डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कि कोडेड होती है, इसलिए इन्हें क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसका लेन देन खाता वही द्वारा प्रबंधित होता है जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। शुरुआत में इसकी वैल्यू को लेकर काफी आशंकाएं थी। एक समय ऐसा था जब 10,000 बिटकॉइन से सिर्फ 2 पिज्जे खरीदे जा सकते थे। आज ये सबसे महंगा टोकन बन चुका है। कई कंपनियों ने भी क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने की घोषणा कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वैध है, क्या ये कोई अपराध नहीं है। कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक दिशा निर्देश नहीं है। भारत, अमेरिका सहित लगभग सभी देशों ने क्रिप्टो करेंसी को अभी मान्यता नहीं दी है, इसलिए ये वैध नहीं है। लेकिन कई देशों के केंद्रीय बैंक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंधित है, लेकिन RBI ने हाल ही में कहा है कि ये अपना डिजिटल करेंसी लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इतना लोकप्रिय आकर क्यों होता चला गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें रिटर्न अनुमान से कहीं ज्यादा मिलने लगता है। जिस 10,000 बिटकॉइन से कभी 2 पिज्जा खरीदे जाते थे, अब उस एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख से भी ज्यादा है। अच्छे रिटर्न की आस में कई लोग बिटकॉइन को खरीदने में वास्तविक मुद्रा लगा देते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य की मुद्रा साबित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप कैसे हो सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के मुताबिक पूरी दुनिया में 11,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का व्यापार सार्वजनिक रूप से एक्सचेंज यानी कि विनिमय संस्था के माध्यम से हो रहा है। वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में $1.5 trillion मूल्य की क्रिप्टो करेंसी बाजार में चल रही है। सबसे ज्यादा एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी के खरीद बिक्री के लिए भारत में इस समय 19 क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट हैं, जिनमें वजीरएक्स का नाम पिछले दिनों सुर्खियों में भी था। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लोकप्रिय हैं और जो अच्छा कर रही हैं। उनमें है बिटकॉइन, इथरनम, बिनेंस कॉइन, कार्डानो। इनमें से बिटकॉइन सबसे पुराना, 2008 में भारी आर्थिक मंदी के बाद 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण सतोशी नाकामोटो ने किया था। क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की जरूरी जानकारी पाते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। नमस्कार।